आगामी 7 दिसंबर को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी जान से जुटे हुए हैं जीतने का सपना लेकर, तो वहीं जीत का ख्वाब देख रही भाजपा के लिए जोरदार झटका देने वाली खबर है। ब्राह्मण, जाट और राजपूत, जो कि पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक कहे जाते हैं, इस बार वो छिटक सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस इनका पूरा फायदा उठा सकती है। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर और फिल्म पद्मावत को लेकर राजपूतों का गुस्सा है, तो वहीं ब्राह्मण SC ST एक्ट को लेकर गुस्से में है। ब्राह्मण समुदाय से जुड़े संगठन विप्र फाउंडेशन ने भाजपा समेत कांग्रेस को 14 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है। समुदाय की मांग है कि दोनों पार्टियां उनके समुदाय के लोगों को 40-40 सीटों पर उम्मीदवार बनाएं, साथ ही आर्थिक आधार पर 14% आरक्षण भी दें। बताते चले आपको कि राज्य में 14.75% आबादी ब्राह्मणों की है, यानी कि 90 लाख आबादी ब्राह्मणों की कही जाती है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो नेता सचिन पायलट जिस तरह से काम कर रहे हैं सूबे में, वो साबित कर रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सचिन की बतौर CM ताजपोशी करेंगे अगर कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को जीतने में सफल होती है, क्योंकि साल 2013 के बाद सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने का काम किया है। SPN9 न्यूज़रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।